राजस्थान के अंता में शादी में फेरे डलवाकर अपने घर लौट रहे बुजुर्ग पंडित राधेश्याम शर्मा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक पंडित पर लकड़ी से वार करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एसपी राजकुमार चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है और घटना की नए सिरे से जांच करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और दो अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और जल्द ही संदिग्ध लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। मेरे पिताजी लक्ष्मी नारायण नामक व्यक्ति के यहाँ वासपुरा में फेरे पाड़ने गए हुए थे। तब वह 12:15 पे फेरे पाड़ के आ रहे थे तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया, जो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में वह घटना कैद हो गई। और जब बड़े भैया ने पिताजी को कॉल किया 12:15 पे, तो वहाँ पे पुलिस की गश्त की गाड़ी आई हुई थी, तो उन्होंने कॉल उठाया और बोला कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तब हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। घटनाक्रम पहले संदेह में नहीं था। घर के लोगों ने भी ये समझते हुए कि दुर्घटना के कारण ये इनको अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है और सब अपना अंतिम संस्कार वगैरह कर दिए, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा वगैरह को देखने के बाद ये चीज़ सामने आई कि पंडित जी एक शादी करवा करके आ रहे थे और दूसरी तरफ से भी दो लड़के युवा नुमा मोटरसाइकिल पे थे और उन्होंने एक लाठी की चोट मार करके इनको गिराया, तो उससे इनको जो है वो उनकी उपचाराधीन रहते हुए मृत्यु हुई। तो देख रहे हैं, मुकदमा दर्ज कल ही हुआ है। घटना जो है वो 22 तारीख की रात्रि की थी और उपचार चला कुछ दिन तक जयपुर में इनका। 28 तारीख को ये दिवंगत हुए और उसके बाद मुकदमा कल दर्ज। संदिग्ध लोगों को लिया गया सर? संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं कहीं कोई किसी किस्म का अगर मतभेद रहा हो, कहीं पंडित जी ने किसी को कोई चीज़ कही हो जिसने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो, और सभी तरीके के दूसरे एंगल्स को देखा जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।